24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? अरे जोर से बोलो, बनाना है या नहीं बनाना है? भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, माताएं बहनें भी उठाएं दोनों हाथ। यहां पर परिवर्तन के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और पर्वत सर के आज के कार्यक्रम में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। सबसे पहले पर्वत सर की इस भूमि पर मैं तेजाजी महाराज, श्री आदि माता, देव नारायण भगवान और रामदेव जी महाराज को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, ये क्षेत्र है जहां देश का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है और एक क्षेत्र है सेना में सबसे ज्यादा अगर जवानों को मेरी वीर माताएं भेजती है तो इस क्षेत्र से। ये वीरों की भूमि है। इस वीरों की भूमि पर मैं आया हूं तब मैं आपको बताता हूं, साल में कितनी दिवाली आती है भैया, जरा जोर से बोलो तो। इस साल राजस्थान में एक नहीं तीन दिवाली आएगी। अब ताली बजाते हैं मगर पूछो तो पर्वत सर वालों, क्यों तीन आएगी बता दो, बताओ, पक्का बताओ। तो सुनिए, पहली दीपावली आएगी दीपावली के दिन पर, दूसरी दीपावली आएगी 3 दिसंबर को, कमल फूल की सरकार बनेगी, और तीसरी दीपावली आएगी 22 जनवरी को, अयोध्या में राम मंदिर। पर्वत सर वालों, ये तीनों दीपावली मनाओगे? जोर से बोलो, मनाओगे? माताओं, भाइयों, बहनों, दुनिया का हर हस्तवान व्यक्ति 550 साल से राह देख रहा था, 550 साल से प्रभु श्री राम अपमानित अवस्था में कहीं बैठे थे, टेंट में बैठे थे। 550 साल के बाद 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा अपने घर में करने वाले हैं। एक गहलोत जी आए तब पूछना कि गहलोत जी, 70 साल से कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर को अटकाया, भटकाया, लटकाया, और राजस्थान वालों 25 की 25 सीटें आपने दी दी, दूसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, मोदी जी ने भूमि पूजन भी किया और अब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भी। 2014 से 2019 में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, ये राहुल बाबा है ना, राहुल बाबा, अरे यार क्यों हंस रहे हो भाई, जानते हो ना, जानते हो ना, पक्का? तो राहुल बाबा मुझे रोज ताना लगाते थे कि मंदिर वही बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे। तो आज पर्वतपुर की ये पवित्र, पर्वत सर की ये पवित्र धरती पर मैं तिथि बता देता हूं, 22 जनवरी 2024 को रामलला वहां पर।
दर्शन करने, मगर पर्वत सर वालों आप सभी और इतनी बड़ी संख्या में आई हुई मातृशक्ति अयोध्या में जरूर आना, राम लल्ला का दर्शन। माताओं भाइयों और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी है, एक कांग्रेस पार्टी का लॉन्चिंग कभी सफल नहीं हुआ है। हंसिए मत यार, मैं सीरियस बात कर रहा हूं, आप मेरा मजाक उड़ाते हो भाई। कांग्रेस पार्टी का लॉन्चिंग कभी सफल नहीं होता है। 20 साल से सोनिया जी राहुल बाबा को लॉन्च करने का प्रयास कर रही है, मगर लॉन्च ही नहीं हो रहे। हर चुनाव में दोबारा। और 10 साल से ये जादूगर गहलोत जी है, वो वैभव को लॉन्च करने का ट्राई कर रहे हैं, मगर हो ही नहीं पाते। जनता हरा ही देती है। राहुल बाबा का भी ऐसा, वो गए नहीं के चुनाव हारे नहीं, अभी अभी राजस्थान आए हैं। तब क्या होगा राजस्थान में? मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी कुछ लॉन्च नहीं कर सकती, अपने बेटे बेटियों को भी लॉन्च कर सकती नहीं है। मोदी जी ने चंद्रमा पर चंद्रयान को लॉन्च करने का कार्यक्रम किया। चंद्रमा पर तिरंगा फहराया और चंद्रमा पर जहां हमारा चंद्रयान उतरा उस स्पॉट को नाम दिया शिव शक्ति स्पॉट। क्या दिया? तो कांग्रेस पार्टी विरोध करने लगी, ये जयराम रमेश उनके नेता विरोध किए, क्यों शिव शक्ति प्लॉट? शिव तो भैया इनके समझ में आता है कि चंद्रमा शिव चंद्रमा को धारण करते हैं, तो शिव जी का नाम रखा, साथ में मां शक्ति का नाम, भारत की मातृशक्ति का सम्मान करने के लिए। और अभी अभी पार्लियामेंट में 33% आरक्षण। माताओं बहनों, जोर से ताली बजाना, 33% आरक्षण मातृशक्ति को विधानसभा और लोकसभा में देने का काम नरेंद्र मोदी जी। ये परिवारवादी कांग्रेस पार्टी कभी राजस्थान का भला नहीं कर सकती। ऊपर सोनिया जी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और अशोक गहलोत जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। पर्वत सर वालों, आपका कौन सोचेगा बताओ? सोचेंगे तो जो अपने बेटे के लिए राजनीति में काम करते हो वो सोचेंगे क्या? चिंता मत करो, नरेंद्र मोदी जी पर्वत सर वालों के लिए सोचते हैं। नरेंद्र मोदी, अशोक गहलोत सर मानी चाहिए अशोक गहलोत को। राजस्थान में 4 साल के अंदर 14 पेपर लीक हुए, 40 लाख युवाओं का भविष्य तबाह कर दिया। कांस्टेबल भर्ती में पेपर लीक, कांस्टेबल भर्ती में पेपर, जरा साथ में बोलना, हाईकोर्ट LDC भर्ती में पेपर, SI भर्ती में पेपर, चिकित्सा अधिकारी 2021 परीक्षा पेपर, लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा पेपर, JEE सिविल डिग्री पेपर, RWT लेवल 2 पेपर, वन रक्षक भर्ती पेपर, बिजली विभाग में तकनीकी सहायक पेपर और द्वितीय श्रेणी के शिक्षकों का भी पेपर। अब मुझे बताओ भाई, ये पेपर लीक कर वो आपको नौकरी देना चाहते हैं क्या? है एक कांग्रेस के चट्टो बट्टो को नौकरी देना चाहते हैं, उसके लिए राजस्थान के 40 लाख युवाओं के भविष्य को समाप्त करने का काम कर दिया। मित्रों, एक गहलोत सरकार ने ये जो पाप किया है, इससे बड़ा कोई पाप हो नहीं सकता।
माताओं भाइयों बहनों, तुष्टिकरण की राजनीति कर समाज को अन्याय करने का काम किया। 2020 में डूंगरपुर में हिंसा, 21 में 12 में हिंसा, 21 में झालावाड़ में दंगे, 22 में करौली में दंगे, 22 में जोधपुर में दंगे और छबड़ा, भीलवाड़ा, करौली, जोधपुर, चित्तौड़पुर, नौहर, मेवात, मालपुर और जयपुर, इस सारी जगह दंगे फैलाने का काम एक कांग्रेस पार्टी के शासन में हुआ है। क्यों दंगे हो रहे? उनकी वोट बैंक की राजनीति के कारण हिम्मत नहीं है दंगाइयों को दंड देने की। और उदयपुर में तो दिन दहाड़े भाई कन्हैया लाल का घड़ा रेत कर मार डाला गया, मगर गहलोत सरकार ने कुछ नहीं किया। उल्टा रामनवमी और महावीर जयंती को जुलूसों पर प्रतिबंध लग दिया, भगवा झंडा लगाने पर प्रतिबंध किया, चित्तौड़गढ़ में रतन सोने की हत्या की कर दी और करौली में हिंदू त्योहारों में 144वीं धारा लगाई। मुझे बताओ, अशोक गहलोत सरकार ने ठीक किया है क्या? इस बार आएंगे नहीं पर्वत सर, मगर आए तो पूछना जरूर पूछोगे या नहीं पूछोगे? मित्रों, कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी का भी अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर 70 साल के बाद पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम नरेंद्र मोदी जी की भाजपा सरकार ने किया। मेडिकल के दाखिलों में, नीट की परीक्षा में 27% आरक्षण दिया और मोदी जी की सरकार में 76 मंत्रियों में से 27% मंत्री ओबीसी समाज के हैं। हमारे 303 सांसद में से 29%, 84 सांसद ओबीसी है। 1358 विधायकों में से 27% विधायक, 366 विधायक ओबीसी है और 163 एमएलसी में 40% पिछड़ा समाज के लोग एमएलसी बनकर भारतीय जनता पार्टी ने दिए। कांग्रेस पार्टी ने खुलेआम गालियां दी। राहुल बाबा ने प्रधानमंत्री जी की जाति को चोर कहा और अपने ही नेताओं का अपमान करने का काम, पिछड़ा वर्ग के नेताओं का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। माताओं भाइयों बहनों, ऊपर दिल्ली में 2004 से 14 कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। राजस्थान को कितना रुपया भेजा 10 साल में मालूम है आपको? मालूम है? मैं बता देता हूं, 1,60,000 करोड़ रुपया भेजा। कितना भेजा? 1,60,000 करोड़। और भारतीय जनता पार्टी ने 8,70,000 करोड़ रुपया राजस्थान के विकास के लिए भेजा है और 7,00,000 करोड़ रुपया नेशनल हाईवे। ये 8,70,000 तो ग्रांट, इसके अलावे नेशनल हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, रिफाइनरी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, ये सब मिलाकर और 7,00,000 करोड़ रुपया भेजा है। 15,60,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने राजस्थान के विकास के लिए दिया है। गहलोत जी, जरा आप राजस्थान की जनता को जवाब देना कि आपने क्या किया है। राजस्थान में गहलोत सरकार में लगभग 5 साल में 11,00,000 मुकदमे माताओं बहनों के सामने अपराध के हुए हैं।
हर रोज 22 से ज्यादा बलात्कार के और छेड़खानी के मामले रजिस्टर होते हैं और दिन दहाड़े माताओं बहनों के साथ अत्याचार कर जला दिया जाता है। गहलोत सरकार को इनकी नींद नहीं खुलती है क्योंकि उनका पूरा ध्यान भ्रष्टाचार कर दिल्ली के दरबार में खंडनी भेजने में लगा हुआ है। खंडनी भेजने में माताओं भाइयों बहनों आपको मालूम नहीं होगा इस सभा में बहुत सारे लोग लाल कपड़े पहनकर आए हैं ना। आपको मालूम नहीं गहलोत साहब आपसे नाराज हो जाएंगे। क्यों मालूम है? लाल डायरी। क्यों लाल डायरी मालूम है? क्यों जरा जोर से बोलो क्यों? इनको आजकल हर जगह लाल डायरी दिखाई पड़ती है भाई, लाल डायरी दिखाई। अरे गहलोत साहब राजस्थान की जनता से वोट मांगने के पहले वो लाल डायरी में क्या है वो बताइए जरा जनता को। बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? जोर से बोलिए बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? अरे सचिवालय के अंदर रेड होती है, सचिवों के कमरे से 1 किलो सोना और 2.5 करोड़ रुपया कैश मिलता है। गहलोत साहब किसका है किसका है बोलते ही नहीं है। फिर कहते हम पर तबाही हो रही तबाही में। अरे भाई गहलोत जी सचिवालय के अंदर 1.5 करोड़ रुपया और 1 किलो सोना जब्त हुआ आप कुछ नहीं करते। विजयदास जी महाराज ने अवैध खनन रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि बचाने के लिए आत्मदाह कर दिया, ये गहलोत को कोई शर्म नहीं आती है। आज भी खनन भी रोक टोक चल रहा है। भी तो मैंने मेरे जीवन में ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार नहीं देखी है। ये गहलोत सरकार भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं लांघ गई है। मित्रों माताओं भाइयों और बहनों नरेंद्र मोदी जी ने देश के 60 करोड़ गरीबों को हर महीना 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, मुफ्त में दिया। हर गरीब के घर में जल से नल देने का संकल्प किया मगर राजस्थान में वो पैसा चाऊ हो गया। मैं आपको कहता हूं कि आप हमारे मानसिंह जी को जिताकर भेज दो, 3 साल में पर्वत सर के हर गांव में नल से जल पहुंचा। मोदी जी ने राजस्थान की लाखों बहनों के घर में शौचालय बनाया, गैस का सिलेंडर पहुंचाया, बिजली पहुंचाई, 5 लाख तक का फ्री ऑफ कॉस्ट, स्वास्थ्य का सारा खर्चा आज मोदी जी उठा रहे हैं। और मुझे बताओ पर्वत सर वालों आप सभी को कोरोना का दोनों टीका लगा है या नहीं लगा है? हाथ उठाकर बताओ जरा। चाराना भी देना पड़ा है क्या? मोदी जी ने कॉफी बदा पिलाकर टीका लगवाया ना? 200 करोड़ टीका लगाकर मोदी जी ने भारत को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नरेंद्र मोदी और आने वाले दिनों में भी भारत को गौरव दिलाने का काम मोदी जी ही कर सकते हैं। 11वें नंबर पर से हमारे अर्थतंत्र को 5वें नंबर पर लाए, अब 2रे नंबर पर ले जाने का काम केवल और केवल मोदी जी कर सकते हैं और भारत को सुरक्षित बनाने का काम भी मोदी जी ही कर सकते हैं। भाइयों और बहनों 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार थी, आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे और बम धमाके कर चले जाते। अरे मनमोहन सिंह कुछ नहीं बोलते, मौनी बाबा चुप रहते थे,
2024 में 25 की 25, 2014 में 25 की 25 सीटें दी, अब 24 में भी मेरे मुंह से 25 की 25 निकल गया है। जरा मेरी जीवन का सम्मान करना भाई, 14 में 25 की 25 सीटें आपने मोदी जी की झोली में डाल दी, उनकी सरकार बने। बोलो भारत माता की, उनकी सरकार बनी। उसी दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करकर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का खात्मा बुलाने का काम नरेंद्र मोदी जी, देश को सुरक्षित नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। पूरी दुनिया में देश का सम्मान नरेंद्र मोदी जी बढ़ा सकते हैं। 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। पर्वतसर वालों, आप सभी लोग सहमत हो या नहीं हो? सहमत हो तो 24 के पहले 23 का चुनाव आता है ना, तो 23 के चुनाव में आ गया वो मानसिंह जी, हमारे मानसिंह जी को विधायक बनाएंगे, जेल से बोलो बनाओगे, कमल के फूल पर बटन दबाओगे, भाजपा सरकार बनाओगे, 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ और प्रचंड आवाज से बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। हेलो हेलो,